नमस्कार दोस्तों, आज हम C4 प्लांट्स में पाई जाने वाली क्रांस लीफ एनाटॉमी स्टडी करने वाले हैं। हमने यहाँ पर C4 प्लांट्स यानी मेज लीफ लिया है। आप शुगर केन का लीफ भी ले सकते हैं। C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का C4 साइकिल कार्यरत होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड से बना हुआ होता है, इसीलिए उसे C4 साइकिल कहा जाता है। अगर हम मेज लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन लेकर स्टडी करेंगे तो हमें दो तरह की पेशियां नज़र आती हैं। एक तो मेसोफिल सेल्स है, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह ग्रैनल छोटे आकार में और संख्या में ज़्यादा होता है, और दूसरी तो बंडल शीथ सेल्स है, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो अग्रैनल बड़े आकार वाला और संख्या में कम होता है। इस दो अलग अलग क्लोरोप्लास्ट के नेचर को हम डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। अब हम देखेंगे क्रांस का मतलब क्या है। क्रांस यानी रिंग। अगर हम सेक्शन को बारीकी से देखेंगे तो हमें बीच में वैस्कुलर बंडल नज़र आएगा, वह बंडल शीथ सेल से घिरा हुआ होता है, और मेसोफिल सेल है वो बंडल शीथ सेल को घिरी हुई है, यानी वैस्कुलर बंडल बीच में, उसके बाहर बंडल शीथ सेल और सबसे बाहर मेसोफिल सेल। इस रचना को हम क्रांस यानी रिंग कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि सेक्शन लेने के बाद उसे डीकलराइज करने के लिए हम 80% अल्कोहल का भी यूज करने वाले हैं। बंडल शीथ सेल में फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो कि स्टार्च के रूप में स्टोर भी होते हैं। उसी स्टार्च को हम आयोडीन की मदद से स्टेन करेंगे। पहले तो हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन सी चीज़ें लगेंगी वो देख लेते हैं, फिर स्लाइड बनाएंगे और उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे।